हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। अभी ना आपका आवाज में इशू आ रहा होगा, मेरे को पता है भाई। जिस माइक में वीडियो बनाता था ना पहले, भाई यार वो खराब हो चुका है लिटरली। मेरे साथ सीन क्या हुआ वो देखो तुम। देखा भाई, मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वीडियो बना लिया, ठीक है। उसके बाद मैं वीडियो एडिट करने जाता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि वीडियो में आवाज ही नहीं आ रही। भाई ऐसा दिमाग खराब हो ना माइक का, तो मैंने ये अब भाई बिना माइक के वीडियो बनाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, नया माइक ले आएंगे, तब तक ऐसे सुन लो थोड़ा। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है भाई बहुत लंबी, कम से कम 2-3 मिनट्स की तो हो ही जाएगी। हाँ, इससे ज्यादा तो कहीं जाती है वीडियो अपनी लंबी यार। तो आज की वीडियो ट्राई करते कि थोड़ा बहुत समझ रहे हो। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले उर्फी जावेद के बारे में। यार आपको पता होगा उर्फी जावेद अभी बिग बॉस में आई थी। बताओ तो क्या पहना है। कपड़े में कील ठोकने की क्या जरूरत है, लोग तो पहले गले मिलने से। हाँ वो शक्तियाँ ना जाए ना भाई उसकी कहीं बिना कपड़ों वाली अपने अंदर। कीले नहीं है, नट बोल्ट है भाई। उर्फी जब इन स्क्रूज को खुलवाने की बारी आएगी ना तो अपना टाइट करवा लेना। हाँ मम्मी। लोग इंसानों से इंस्पायर होना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उर्फी जावेद जानवरों से होती है। ये लो भाई, इसे कहते हैं पॉर्क्यूपाइन। एक चीज नोटिस किया आपने, अब इसके माथे में रोबजा की बोतल कौन पलट गया। उर्फी बर्फ और रख ले, बर्फ का गोला बन जाएगी, पूरा लौंडो की लाइन लग जाएगी बर्फ का गोला खाने के लिए। और भाई जिनको नहीं पता, उर्फी जावेद पिछले OTT सीजन में भी आई थी बिग बॉस के। वेल उस समय उर्फी पे दिन कम थे और इस समय दिमाग। तो भाई ज्यादातर लोगों को पता है उर्फी जावेद कौन है और क्या करती है, जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं ना दोस्तों। आज तक जो है फोन के अंदर वायरस देखा था, लेकिन फोन को वायरस के ऊपर पहली बार देख रहा हूँ। देखो फोन का चार्जर लगा है, फोन लगा है, सही है सब, लेकिन इस फोन के चार्जर को पावर कहाँ से मिल रही है, ये गड़बड़ है बाबा। टमाटर अच्छे है गाइस, उर्फी ने दो एक हाथ में टमाटर। भाई तुम लोग बोल रहे कैसे कैसे अजीब कमेंट पास कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। तो भाई उर्फी जावेद सारी चीजें ट्रोल होने के लिए ही करती है, समझ रहे हो बात को, वो चाहती है कि लोग उसे अटेंशन दे। अरे देवा। ओ भाई 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 भाई, भाई। चिंगम गाइस एकदम सही जगह पड़ी है डस्टबिन में। भाई च्युइंगम की ड्रेस है, चलो सही है भाई। बाकी आड़ी टेढ़ी चीजें से अच्छा तो यही दिख रहा है। अब तुम लोग बोलोगे चेतू दिखाना आड़ी टेढ़ी चीजें, सॉरी भाई दिखा नहीं सकता। बकवास, दिखाओ ना। मैं नहीं दिखाऊंगा। PUC प्लीज, मैं नहीं दिखाऊंगा। अब हम तुम्हें दिखाएंगे हिपोक्रेसी। सो इनका एक पॉडकास्ट आया था बियर बाइसेप्स के संग, उसमें भाई दोनों लगे पड़े उर्फी की इमेज सुधारने के लिए। कुछ भी बकरे कुछ भी। फीमेल कम्युनिटी में आपने एक बहुत आपने रिस्पेक्ट अर्न किया, ऑनेस्टली ये पहली बार मैं सुन रही हूँ और आखिरी बार भी, अंटिल कि तुम बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में फिर से ना आ जाती। फीमेल कम्युनिटी अबे एक पल की तो खुशी दे देता उसे। मेल दिमाग और फीमेल दिमाग बहुत अलग तरीके से चलता है। गाइस थिंक थ्रू द डिक फर्स्ट एंड देन दे यूज दैट। तो फिर अपने भाई और बाप को इंटरनेट पे आकर ऐसे मत बोले यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। You really feel that? Yeah, I know that. You feel कि all guys think through that. देखो all तो generalize नहीं कर सकते हैं, so whenever you say पॉडकास्ट में आके बैठी है ज्ञान तो पहलेगी ही। तो भाई यहाँ पर जो हमारे पॉडकास्ट वाले भैया है वो थोड़े दिमाग वाले, उर्फी की स्टेटमेंट सही करने की पूरी कोशिश करी है उसने। एन उर्फी जावेद कहाँ से बैन करोगे? कहाँ से बैन करना है मुझे, मेरे घर से बैन कर दोगे क्या? दीदी तुम्हें घर में से बैन करने की कह कौन रहा है, बैन तो लोग उसे करना चाहते जो तुम घर के बाहर जाके कर रही हो। भाई कचरे उठाने वाला बन जाना, लेकिन कभी पॉडकास्ट वाला मत बनना, इतना फर्जी ऐसा पड़ता है क्या? यही है कि जरूरी थोड़ी है कि आप जो चीज करो वो हर किसी को पसंद है, आपको हर किसी से वैलिडेशन मिल ही नहीं सकता। अजी वाह, बड़ी समझदारी की बात कह दी। अबे कपड़े दिखाने का लेवल तेरे पास हो रहा है क्या? उसी से तो फेमस हो रही है, और लोग उस पर कमेंट पास ना करेंगे तो किस चीज पर करेंगे? हर पॉडकास्ट के पीछे मेरी एक इंटेंशन होती है, इस पॉडकास्ट के पीछे मेरी इंटेंशन ये है कि मुझे आपके दिमाग को जानना। अबे जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको कैसे जानेगा?
अबे सच बोलना, दिमाग को थोड़ी ना जानना है, आपकी इमेज क्लीन करनी है, लोगों को मैनिपुलेट करना है। लड़की आपको रिस्पेक्ट करती है क्योंकि दे थिंक यू आर सेलिब्रेटिंग फेमिनिज्म, और बहुत सारे लड़के आपको हेट करते हैं क्योंकि शायद यू आर चैलेंजिंग पैट्रियार्की। आई मीन लड़कों का तो मुझे लगता है कोई हक ही नहीं बनता है बोलने का। गाइस थिंक थ्रू द डिक फर्स्ट। लड़की जिम जो जाते हैं ना, वो दिमाग अपना घर पे रखे जाते हैं। भाई थक गया हूं उसकी हिपोक्रेसी देख देख के। चलो भाई इतना सीन बन ही चुका है तो इसके इंस्टाग्राम की दो तीन रील्स भी देख लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है भाई? ऐसे क्या चीज है जो अभी तक इसने ट्राई ना की हो? कुछ है ऐसा? नो 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 नो। ओके गाइस, वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यार बिना मैं के वीडियो अच्छी नहीं बनेगी आई थिंक। और यार देखो पीछे मेरे भजन चल रहे, देखो वहाँ पे आवाज आ रही है आपको। मैंने माइक ऑर्डर कर दिया, ठीक है दो तीन दिन में आ जाएगा। और मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।